आपको मिल गया सब कुछ शॉर्ट्स मिल गया क्या? नहीं दो मिनट सर थोड़ा सा चाहिए था थोड़ा थोड़ा सा नीचे लगा दो तीन लोग आगे थे पर आगे सब लोग भी कोई है एक दो नहीं नहीं मोस्ट ऑफ अस सब आ रहे हैं तो इन केस यू वांट टू फिनिश वी कैन फिनिश ऑन वन एंड देन व्हेन अगर दो चार और लोग आ गए तो उनको भी साथ में हां चलेंगे हां कर लो मेक सेंस कर लो हां ओके चलो मनु जाना बाकी है भाई हां मनु जाना बाकी है हां चलो గణపతి బప్పాం గణపతి బప్పా మంగళమూర్తి మీ సంగతి చాలు కొద్ది కర जैसे इन कैमरास के लिए पप्पा नहीं आ रहे हैं अगर आप थोड़ा सा ऐसे घूम जाओगे तो मैं थोड़ा आगे सबसे पहले सर लुक नीचे का इयर्स कंप्लीट हो गए हैं डेकोरेशन पे ध्यान दिया और कैसा कोई मेमोरी शेयर करने का अरे ब्रो आदित भूम नीचे चल रहा है 20 साल बात मत कर सबसे पहले तो यही कहूंगा कि
हर साल बप्पा जब आते हैं घर पे तो सबसे पहले वो दिन याद आता है जब पहली दफ़ा बप्पा को लेने गए थे. मुझे याद है बाइक थी मेरे पास और हम ढूंढ रहे थे कि बप्पा को लेकर आना है, क्या विधियां हैं, क्या किस तरीके से पूजा होती है, कुछ पता नहीं था. तो गूगल पे देख रहे थे, दोस्तों से फ़ोन करके पूछ रहे थे कि किस तरह से हो. और फिर आज का दिन है जब सब दोस्तों को हम लोग बोलते हैं कि घर पे बप्पा को लेके आए और यू नो किस तरह ज़िंदगी बदली है और हमारी मेरे दोस्तों की बदली जो जो घर पे बप्पा लेकर आए. तो मेरा बहुत एक अटूट विश्वास है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वो दिन होते हैं जो जिसका पूरे साल हम इंतज़ार करते हैं और किस तरह बड़ी तेज़ी से बीत भी जाते हैं और फिर अगले साल का इंतज़ार होते हैं. तो इन 20 साल कब बीते मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि जब मैं कहता हूँ कि मुझे 20 साल हो गए हैं जब पहली दफ़ा पापा घर पे लेकर आए थे. मैं हमेशा सोनाली को ये डिपार्टमेंट संभाल देता हूँ क्योंकि अभी वो मास्टरी हो चुकी है, उसकी लेजेंड बन चुकी है वो डेकोरेशन में और बप्पा चुनने में. तो इस बार गो ग्रीन का हमने थीम रखा था कि नेचुरल रखा जाए, प्योर रखा जाए, फ्लावर्स हो, ग्रीन ग्रीनरी हो. तो बप्पा भी आई थिंक वही चाहते हैं कि जो पूरी दुनिया है हमारी, पूरा जो देश है वो गो ग्रीन पे विश्वास करें. एंड सोनाली ने वही जहन में रखकर डेकोरेशन को प्लान किया, बप्पा को चुना गया. जैसे वाइट है, प्योरिटी है, लंबोदर जिसको बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा येलो कलर भी रखा गया है. सो आई थिंक उसके अंदर काफ़ी डिटेलिंग है सोनाली की एंड शी हैज मास्टर्ड द डेकोरेशन नाउ. यही खास बात ये होती कि आप सब लोग घर पे आ जाते हैं वरना नहीं आ पाएंगे हमारे हाथ में. बड़ा अच्छा लगता है, यू नो आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड कि आप सब लोगों से मुलाकात हो और यू नो आप सब भी यू नो इस परिवार का हिस्सा हैं. जिस तरह हम गणपति बप्पा का इंतज़ार करते हैं उस तरह आपका भी इंतज़ार करते हैं कि आपको भी ब्लेसिंग्स और आपके भी सब सपने पूरे हों. सो आई थिंक दैट मेक्स बप्पा वेरी स्पेशल. देखिए मैं सुबह चिंकी जरा प्लीज साइलेंस रखो प्लीज सब लोग पीछे. तो यू नो बड़ा मैं सुबह ही वैसे जिम जाके आ चुका हूँ. मुझे पता है कि अभी बड़े कमाल के होममेड मोदक हैं और बेसन के लड्डू हैं जो मेरे फेवरेट रहे हैं. तो मैं अपनी तरफ से फिटनेस का जो मशाल संभाली हुई है उसका मैं अपना काम करके आ गया हूँ फिर से. और अभी मिठाइयाँ खाने का वक्त आ गया है. पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन दिनों में सोचना नहीं चाहिए क्योंकि पापा की जब मिठाई खाएंगे तो आप और फिट ही होंगे. तो आपको कैलोरीज के बारे में सोचना नहीं चाहिए इन दिनों में. थैंक यू सो मच. आप सबको भी और एक बार जोर से बोलना चाहिए. अच्छा क्या बात है, अभी तो शुरू किया है, अभी तो एंट्री हुई है, सबसे क्लाइमेक्स शुरू हो रहा है. मेरे में आते हैं आप क्या जब आते बड़े ही सरल भाव से आप सारे मेहमानों का स्वागत करते हैं और श्रद्धा भाव लगता है पूरे यहाँ पे, बड़ी वार्मथ वाली फीलिंग आती है. दिस हैज टू लुक समथिंग विद द डिवोशन. आई डोंट नो मे बी एक मुझे याद है कि जब घर से हम लोग निकले थे इस शहर में करने के लिए तो पेरेंट्स ने एक चीज़ ज़रूर हम लोगों को सिखाई थी कि यू नो कोई भी शहर में चले जाओ, कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ, लेकिन बदलाव नहीं आपके अंदर आना चाहिए. जो हमने कुछ आपको थोड़ा बहुत सिखाया है उसको हमेशा बरकरार रखें. तो शायद उनकी जो सिखाए हुए लेसन्स हैं वो आज भी हमें हमेशा आपके साथ जोड़े रखते हैं. बट आई ऑलवेज बिलीव कि ये आप लोगों का प्यार भी होता है जो विच मेक्स अस रिएक्ट लाइक दैट. और मैं हमेशा कहता आया हूँ और हमेशा मानता आया हूँ कि ये बप्पा को तो हम लोग सब घर पे लेकर ही आते हैं बट आई थिंक बप्पा के कारण हम लोग आप लोगों से भी मिलते हैं और आपकी जो अफेक्शन होती है वो पूरे साल हम लोगों के लिए रहती है. तो आई थिंक ये समय वो तब होता है जब हमें आपका ध्यान रखना चाहिए. मैंने भी एक्चुअली मैं भी सरप्राइज था जब मैंने पहना तो इसने ही पहना हुआ. मैंने बोला कि अचानक कैसे बन गया तो बट आई थिंक वो बाय चांस. जनरली ऐसे ही और इस बार जो सुमित ने भी शर्ट पहनी वो भी कुछ इसी कलर की फैमिली की है तो हमने बोला कि क्यों ना पहले चुना जाए. कोऑर्डिनेशन बहुत मस्त होनी चाहिए भाई. देखिए मैं हमेशा मानता हूँ कि सेहत अच्छी रहे, खुश रहे सब लोग और जो भी जिनके सपने हैं चाहे कैमरे के आगे वालों के या कैमरे के पीछे वालों के वो सब पूरे हों
और ऐसे ही जगमगाते रहो और हमेशा लाइमलाइट में रहो आप लोग भी सब, और भगवान ने हमेशा गाइड करके यहाँ तक पहुँचाया है और ऐसे हमेशा गाइड करते रहें। जो हम डिज़र्व करते हैं वही हमें मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, बट वही कहूँगा कि जो मार्गदर्शक रहे हैं हमेशा, वैसे ही हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। एक प्रश्न आपकी फिल्म को लेकर, मिथोलॉजिकल कैरेक्टर कर रहे हैं आप? मैंने अभी एक फिल्म या अभी रिलीज हुई फिल्म कुरुक्षेत्र, जिसमें मैंने अर्जुन की भूमिका निभाई है, बड़ा अप्रिशिएट हुआ। बड़े सालों से सोचता था कि एक माइथोलॉजिकल फिल्म करनी चाहिए, एंड फाइनली इट हैपेंड। और पीवी सिंधु जी के ऊपर अब तैयारी है, पूरी वर्ल्ड चैंपियन बन गई है आप तो? बिल्कुल, आप बस तैयारी रखें, आप जब तक आप गणपति बप्पा से यू नो इस आशीर्वाद लेंगे तब तक वापस आपको बुलावा आ जाएगा दोबारा मिलने के लिए। अक्षय जी हैं उसमें, अक्षय कुमार जी? नहीं नहीं सुमित, वो पता नहीं, लेकिन आप जरूर रहेंगे, ये मैं पक्का वादा करता हूँ। बहुत ही आदर सम्मान के साथ आप सबका स्वागत करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही प्रेम है आपके साथ में सोनू, और सबकी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू यार, और गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, थैंक यू सो मच। कूदे थे क्या? घर पे बनाए जाते हैं मोदक, मोदक होते हैं तो थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है। उसके अलावा बेसन के लड्डू हैं और जो भी मिठाइयाँ सबकी फेवरेट होती है वो जरूर लाई जाती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इन दिनों के अंदर आप कैलोरीज का ध्यान ना रखें, ज़्यादा ना सोचें, पापा को यू नो प्रे करते रहें कि आपको फिट रखें, तो कितनी मिठाई खाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? मुझे बेसन के लड्डू बड़े कमाल के लगते हैं, तो मुझे आज वो खा जाए। साथ ही एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, गणपति का जो आप माहौल है काफ़ी अच्छा है, 20 साल से जो आप जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, बहुत कुछ दिया है पापा ने, क्या कुछ आदर्श है इसका और क्या कुछ आपको बोलना चाहेंगे? देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गाइड करते रहें, मार्गदर्शन रहे हमारे, और ऐसे कोई मार्गदर्शन करते रहें, चलते रहेंगे लाइफ में। अभी बहुत सारे रास्ते हैं, पढ़ाव है, तय करना है, और पापा यहाँ तक लेकर आएंगे, आगे भी लेके जाएंगे। तो हमेशा कहता हूँ सेहत सबकी अच्छी रखें, खुश रखें सबको, और जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें। आपकी क्या आदर्श है इस बार पापा से? क्या मैं तो अपने पापा से दिल से मांगी और वो पूरी। मैं हमेशा, मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा मुंबई में आया था, अब आज इस बार 20वां साल है पापा घर पे लाने का, और जो भी चीज़ मांगी आज तक हमेशा मिली, हमेशा गाइड किया भगवान ने पापा ने, और हमेशा मैं उनसे एक ही चीज़ बोली कि सही सेहत के सबको खुश रखें, ज़मीन से जुड़ा रखें, और जो भी हम जिंदगी में डिजर्व करते हैं उसके लिए हमेशा मार्गदर्शन करते रहें।